तो हमारा जो क्लास है वो बिगनर को टारगेट करके स्टार्ट किया जाएगा। पहले हम बेसिक से जाएंगे, एकदम बेसिक से, जिसे जो नए लर्नर है उसको भी नॉलेज हो जाए और जो पुराने टेक्निशियन है वो तो समझ ही जाएंगे। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो बिगनर पर रहेगा और बाद में धीरे धीरे हमारा कोर्स का लेवल बढ़ता जाएगा और फिर हम जो सर्किट लेवल है, जो बोर्ड लेवल है, आईसी लेवल है, उसका नॉलेज भी लेंगे। तो क्लास को इफेक्टिव बनाने के लिए आप सबका क्वेश्चन जरूरी होता है। जितना आप ज्यादा क्वेश्चन पूछिएगा उतना का क्लास इफेक्टिव होगा। आप कुछ सीख पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, डेली आप अपडेट कीजिए आपको मतलब कौन सा क्लास में कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। जैसे हम आज तो फर्स्ट क्लास है, तो आज तो हम सिर्फ टूल का इन्फॉर्मेशन दिए थे आपको, लेकिन आगे जब हम क्लास देंगे, जैसे मोबाइल का पार्ट हुआ, पार्ट के बाद जो डिफरेंट पार्ट होता है उसको टेस्टिंग, जैसे बैटरी हो गया, बैटरी का टेस्टिंग, बैटरी का रिपेयरिंग, और उसके बाद धीरे धीरे हमारा सभी टेस्टिंग आगे बढ़ता जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो उसको आप, ये जो डिस्कशन क्लास होता है हमारा लाइव, वहाँ पे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को पूछने के लिए आप क्या कीजिए, आप जब वीडियो देख रहे होते हैं उसी टाइम में आप एक कॉपी लेके रखिए और कॉपी में जो भी जहाँ पे भी आपको डाउट लगता है, जहाँ पे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो उस डाउट को लिख के रखिए और फिर लाइव क्लास में आप उस डाउट को पूछिएगा तो आपको समझने में ईजी रहेगा। ऑनलाइन से भी आप अच्छे तरह से सीख सकते हो, मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा, उसमें कोई ज्यादा हाई स्पीड नहीं जाएगा। एक मंथ बहुत ही टाइम होता है, एक मंथ के अंदर आप लगभग जितने भी मोबाइल का रिपेयरिंग होता है सभी को परफेक्टली सीख जाओगे। लेकिन इसके लिए आपको, अगर आपके पास टूल है, तो धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो उसके साथ आपका जो लर्निंग है वो भी और इफेक्टिव होता जाएगा। या नहीं तो धीरे धीरे टूल खरीद भी सकते हैं। टूल का कॉस्टिंग, जैसे आपको मैंने जितना भी टूल का प्राइस है सभी मैंने आपको बता दिया। जो बेसिक टूल है, जैसे स्टार्टिंग में आपको सभी टूल नहीं लेना है, पहले स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, ओपनर टूल ले लीजिए, उसके बाद आयरन ले लीजिए, बेसिक टूल हो गया। उसके बाद अगर आप फिर से थोड़ा दिन के बाद आप हॉटगन ले लीजिए, डीसी मशीन ले लीजिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके टूल का जो नंबर है वो आप बढ़ाते जा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है आपका समझना। जो भी हम पढ़ाते हैं उसका इन्फॉर्मेशन, उसका नॉलेज आपको पूरी तरह से होना चाहिए। और समझ जाने के बाद दूसरा आपका प्रैक्टिस होता है। आप समझने के लिए अच्छी तरह से समझ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। और हमारा जो टारगेट रहेगा, जैसे हम जो सोल्यूशन है दो टाइप से निकाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एक डायग्राम है, तो इसमें शॉर्टकट सोल्यूशन दिया गया रहता है। किसी भी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन यहाँ पे देख के, मतलब 1-2 मिनट के अंदर ही उसका सोल्यूशन आपको मालूम हो जाएगा। टेस्टिंग का पॉइंट सभी मालूम हो जाता है इस तरह का डायग्राम देखने के बाद। लेकिन सभी फोन का डायग्राम नहीं होता है, इसलिए विदाउट डायग्राम सोल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, डायग्राम से सोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, एक टोटल इन्फॉर्मेशन आपको हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी होगा। तो चलिए, मोबाइल रिपेयरिंग के लिए यूज होने वाले जो टूल होते हैं उसका नॉलेज मैंने आपको दिया था इस वीडियो में, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, या अदर कोई भी क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, मोबाइल का बोर्ड है, थोड़ा सा आगे क्लास को बढ़ा देता हूँ। वैसे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोबाइल का बोर्ड है, जैसे किसी भी मोबाइल को आप खोलिएगा तो इस तरह का बोर्ड दिखाई देगा। मोबाइल में आप कोई भी चीज़ रिपेयरिंग कीजिएगा तो उसमें क्या होता है, एक नंबर 1 में पार्ट होता है और पार्ट से भी आगे सॉफ्टवेयर होता है। सबसे नंबर 1 में सॉफ्टवेयर होता है। जैसे मानिए मोबाइल में, मोबाइल काम नहीं, मोबाइल का कोई फंक्शन अगर नहीं हो रहा है, मानिए साउंड नहीं आ रहा है, या माइक काम नहीं कर रहा है, या रिंगर काम नहीं कर रहा है, वाइब्रेटर काम नहीं कर रहा है, कोई भी पार्ट अगर काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले क्या होता है, उस पार्ट का सॉफ्टवेयर चेक करना पड़ता है। मानिए स्पीकर में प्रॉब्लम आ रहा है, तो स्पीकर का सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, साउंड को इंक्रीज करके देख सकते हो। अगर वाइब्रेटर में प्रॉब्लम आ रहा है तो वाइब्रेशन मोड ऑन है या नहीं है वो चेंज करके देख सकते हो। उसके बाद मानिए नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो नेटवर्क का सेटिंग को चेंज करके, जैसे वहाँ पे सिम शो हो रहा है नहीं हो रहा है, IMEI नंबर जो होता है वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सभी देख सकते हो। तो पहला जो हमारा काम होता है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेटिंग, जो भी पार्ट में प्रॉब्लम है उसका सेटिंग को जाके चेंज करके देखेंगे। तो सेटिंग से थोड़ा सा मतलब 10% कभी काल क्या होता है, सेटिंग से ही प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सेटिंग में काम करने के बाद अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो जो हमारा सेकेंड काम होता है वो पार्ट को रिप्लेस करना, पार्ट को चेक करना होता है। जैसे मानिए अब रिंगर है तो रिंगर खराब हो गया, तो रिंगर खराब है या नहीं है उसको चेक करना होता है। इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, या पहले तो सबसे पहले हम इसको क्लीन करेंगे। जैसे इसका क्या होता है, किसी भी पार्ट का बोर्ड के साथ कनेक्शन होता है, तो कनेक्शन करने के लिए क्या होता है, इसमें लेग होते हैं और बोर्ड में उस पार्ट को कनेक्शन करने के लिए टिप होता है। बोर्ड में पार्ट को कनेक्ट करने के लिए टिप बना होता है। तो चलिए मैं आपको टिप दिखाता हूँ किस तरह का होता है। जैसे मोबाइल का बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर जो ये मेटल का पॉइंट आप देख रहे हो, इस तरह का यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, इस दोनों जो पॉइंट है इसको टिप बोला जाता है। टिप का मतलब होता है पार्ट जहाँ पे कनेक्ट होता है। जैसे ये जो टिप है यहाँ पे कौन सा पार्ट कनेक्ट होगा तो मोबाइल को खोलने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ पे ईयर स्पीकर कनेक्ट होता है वैसे, तो इस टिप को हम क्या बोलेंगे, ईयर स्पीकर का टिप बोलेंगे। अगर इस टिप पे रिंगर जुड़ा, रिंगर का कनेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिंगर का टिप बोलते हैं। अगर यहाँ पे स्विच जुड़ा, स्विच का कनेक्शन होता है तो उसको हम स्विच का टिप बोलते हैं। मतलब बोर्ड के ऊपर इस तरह का जो मेटालिक पॉइंट होता है उसको टिप बोला जाता है, जहाँ पे किसी ना किसी पार्ट का कनेक्शन किया जाता है। तो पार्ट का कनेक्शन करने का एक मेथड होता है टिप। तो मानिए हमारा पार्ट काम नहीं कर रहा है तो क्या हो जाता है, जब यहाँ पे कनेक्शन होता है पार्ट का, तो कनेक्शन और जो मतलब इसका जो पार्ट का लेग होता है और जो टिप होता है उसके बीच में यहाँ पे काला ब्लैक डॉट बन जाता है।
तो उस ब्लैक डॉट को कार्बन बोला जाता है, मतलब कार्बन जम जाता है एक तरह से, वो एयर में मॉइस्चर होता है और इसके कंटेक्ट के कारण या फिर काला सा काला काला दाग बन जाता है, और जिसके कारण क्या होता है हमारे जो पार्ट और टिप का कनेक्शन है वो छूट जाता है, या उसमें क्या हो जाता है अच्छी तरह से उसमें जो सिग्नल जाने चाहिए या जो वोल्टेज आने चाहिए वो अच्छी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा पार्ट काम करना छोड़ देता है। करता भी है तो उसमें क्या हो जाता है क्लियरली उसका जितना सिग्नल आना चाहिए या जितना साउंड आना चाहिए उतना नहीं आ पाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि पहले इस टिप को क्लीन करेंगे, और जो पार्ट के साथ लेग होता है, जैसे यहाँ पे अगर मानिए पार्ट है इसका लेग होगा, जैसे यहाँ पे दो टिप है तो पार्ट में भी दो लेग होगा, और दोनों लेग क्या होगा यहाँ पे दोनों पे टच होगा। तो हम टिप को क्लीन करेंगे और जो पार्ट का लेग है उसको भी क्लीन करेंगे नंबर वन। तो क्लीन करने के बाद हमारा कुछ 20% जितना प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा, कि बहुत सारे मोबाइल में आप पार्ट को सिर्फ निकाल के क्लीन कीजिएगा तो वो आपका 20% जितना सोल्यूशन आपको हो जाता है। लेकिन मानिए क्लीन करने के बाद नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो ये जो पार्ट है वो खराब होगा, ये पार्ट फॉल्टी होगा, और दूसरा नंबर क्या हो सकता है, ये टिप का कनेक्शन कहाँ से होता है, आईसी से होता है, जैसे आप लाइन है यहाँ पे देख रहे हो, मतलब यहाँ पे जो सिग्नल आता है वो आता है मोबाइल के किसी आईसी से, मतलब जिस आईसी जो जो आईसी इस पार्ट को कंट्रोल करता है वो आईसी क्या करता है इस टिप पे सिग्नल को सेंड करता है। तो मानिए इस लाइन में आप बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, तो कंपोनेंट डैमेज हो जाता है, या जो आईसी सेंड कर रहा है सिग्नल को वो आईसी अगर डैमेज हो जाता है तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे हमें दो टाइप के प्रॉब्लम दिखाई देंगे, या तो पार्ट डैमेज होगा, अगर पार्ट ओके है तो फिर क्या होगा हमारा बोर्ड में जो कंपोनेंट लगे होते हैं इस तरह के छोटे छोटे, और जो आईसी होते हैं इस तरह के बड़े, तो वो आईसी में या तो कंपोनेंट में फॉल्ट होगा। तो पार्ट में अगर फॉल्ट है तो पार्ट को हम चेक करके देख सकते हैं, सभी पार्ट को तो चेक नहीं किया जा सकता लेकिन बहुत सारे पार्ट को चेक किया जा सकता है, जैसे डिस्प्ले हो गया, टच हो गया, तो उस तरह कैमरा हो गया, इस तरह को पार्ट को चेक करने का मेथड नहीं होता है, उसको हम रिप्लेस करके ही रिपेयरिंग करते हैं, उसको देखना होता है, दूसरा डाल के देखना होता है। लेकिन स्पीकर हो गया, माइक हो गया, वाइब्रेटर हो गया, तो इस तरह के जो पार्ट होते हैं उसको हम चेक कर सकते हैं। तो मानिए ईयर स्पीकर है तो इसको हम चेक करेंगे, चेक करने पर अगर इसका वैल्यू ठीक आ रहा है या फॉल्टी आ रहा है, ठीक आ रहा है तो हमारा बोर्ड से प्रॉब्लम होगा, लेकिन इसका वैल्यू अगर फॉल्टी आ रहा है तो फिर जो प्रॉब्लम है वो ये स्पीकर से होगा, तो स्पीकर को चेंज कर दीजिए और आपका जो सोल्यूशन है वो हो जाएगा। तो 30% जितना मानिए आपको 50% 60% इतना तक में आपका सोल्यूशन हो जाता है, लेकिन 30% जो प्रॉब्लम है 30-40% वो बोर्ड से होता है। तो बोर्ड में कैसे रिपेयरिंग करना होता है, जैसे जो टिप आप देख रहे हो यहाँ पे, जो टिप है उसमें क्या है लाइन, ये टिप में भी लाइन आ रहा है, इस टिप में भी लाइन आ रहा है, तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ। लाइन लाइन के साथ यहाँ पे कुछ पार्ट, यहाँ पे छोटा छोटा जो कंपोनेंट, इस तरह के जो पार्ट है छोटे छोटे उसको कंपोनेंट बोला जाता है, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट जुड़ रहा है, इस लाइन में भी 1 2 कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट आप देख रहे हो यहाँ पे, 1 2 3 और एक ए वाला 4 कंपोनेंट, इसमें भी उसी तरह से 4 कंपोनेंट यहाँ पे जुड़ा है, मतलब दोनों लाइन में 4 4 कंपोनेंट लगा हुआ है। तो ये जो कंपोनेंट है इसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो क्या होगा, ये जो लाइन है वो इसमें जो सिग्नल जाने चाहिए थे वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब सिग्नल यहीं पे रुक जाएगा, कंपोनेंट में फॉल्ट के चलते सिग्नल क्या होगा यहाँ से आगे बढ़ नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होगा वहाँ पे हम स्पीकर, अगर हमारा पार्ट सही भी लगा है फिर भी अगर सिग्नल नहीं जा रहा है तो पार्ट काम नहीं करेगा। तो बोर्ड में प्रॉब्लम होने का सबसे मेन फॉल्ट होता है ये, 80% बोर्ड का जो फॉल्ट होता है, बोर्ड में फॉल्ट आने का 80% से ज्यादा फॉल्ट जो होता है ये कंपोनेंट के कारण होते हैं, और कंपोनेंट को रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है, कंपोनेंट को इजिली आप रिप्लेस भी कर सकते हो और इसका जम्पर करके भी इसका सोल्यूशन किया जा सकता है, रिमूव और जम्परिंग करके भी हम कंपोनेंट का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो और कंपोनेंट भी सही है तो फिर जो लास्ट हमारा ऑप्शन होता है, लास्ट हमारा पार्ट होता है वो होता है आईसी। आप देख सकते हो जो हमारा पार्ट था वहाँ पे वो इस आईसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो पार्ट में क्या था इसी तरह किसी कलर का लाइन लगा हुआ था, और वो लाइन क्या है इस आईसी में आके कनेक्ट हो रहा है। तो किसी भी प्रॉब्लम का जो एंड पॉइंट होता है वो आईसी होता है, लास्ट में उसका कनेक्शन फाइनल कनेक्शन आईसी के साथ होता है, और आईसी से पहले क्या होता है कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, और कंपोनेंट से पहले क्या होता है टिप होता है, और टिप से पहले क्या होता है पार्ट, और पार्ट से भी पहले क्या होता है सॉफ्टवेयर। तो इस तरह से जो हमारा रिपेयरिंग का स्टेप बनता है, पहले हम क्या करेंगे किसी भी रिपेयरिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे सेटिंग, यानी कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो सेटिंग होता है उसको हम चेक करके देखेंगे। सेटिंग का मतलब हो जाता है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम, पहले हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम को करेंगे। नंबर टू में क्या करेंगे क्लीन करेंगे पार्ट और जो बोर्ड का कनेक्शन होता है तो उसको हम क्या करेंगे क्लीन करेंगे। फिर नंबर थ्री में क्या करेंगे पार्ट को टेस्ट करेंगे, किसी भी पार्ट में फॉल्ट है या नहीं है तो उसको टेस्ट करने पर कितना रीडिंग आना चाहिए, कितना रीडिंग आने पर ठीक है, कितना रीडिंग आने पर फॉल्टी है, तो वो हमें मालूम होना चाहिए। तो टेस्टिंग करने मतलब पार्ट को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं दो तरीके यूज करते हैं, एक मल्टीमीटर का यूज करते हैं, तो मैंने आपको मल्टीमीटर दिखाया था, तो मल्टीमीटर हमारा मल्टीमीटर का जो क्वालिटी है थोड़ा बेटर होना चाहिए, मीडियम रेंज का मल्टीमीटर होना चाहिए, मल्टीमीटर आप कम से कम 800-900 के ऊपर का मल्टीमीटर यूज कीजिए। मैंने आपको ब्रांड का भी नाम बता दिया था, एक ब्रांड था यूनिट और दूसरा मैक्सटेक और तीसरा था सनसाइन, तो तीनों में से आप कोई ले सकते हो, क्योंकि मल्टीमीटर अगर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आपका जो टेस्टिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो मल्टीमीटर अच्छा होना चाहिए। तो मल्टीमीटर से जो हम टेस्टिंग करते हैं उसको बोला जाता है कोल्ड टेस्टिंग,
कोल्ड टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग मतलब इससे हम क्या करते हैं, जो पार्ट है उसका वैल्यू को चेक करते हैं। इसमें वोल्टेज का कोई रोल नहीं होता है, वोल्टेज हम इसमें बिना वोल्टेज को अप्लाई किए हुए मल्टीमीटर का यूज करके पार्ट को चेक करते हैं, जिससे पार्ट में कोई फॉल्ट है या नहीं है वो हमें मालूम हो जाता है। तो ये होता है कोल्ड टेस्टिंग का मेथड। और जो दूसरा टेस्टिंग मेथड होता है वो हॉट टेस्टिंग होता है। हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है वोल्टेज को देख के टेस्ट करने का मेथड। तो किसी पार्ट को चेक करने का मेथड होता है कोल्ड टेस्टिंग, और किसी पार्ट को चेक करने का मेथड होता है हॉट टेस्टिंग। तो ये दोनों काम के लिए, एक के लिए हम मल्टीमीटर का यूज करते हैं, और जो हॉट टेस्टिंग होता है, हॉट टेस्टिंग का मतलब वोल्टेज को अप्लाई करना। तो वोल्टेज हम कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो वोल्टेज देने के लिए हमें किस टूल का जरूरत होता है, डीसी मशीन का। तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए हमें डीसी मशीन का जरूरत होता है। मोबाइल का बैटरी यूज करके हॉट टेस्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी में क्या होता है, हमें बैटरी में कोई भी इन्फॉर्मेशन शो नहीं होता है। बैटरी सिर्फ क्या करता है, वोल्टेज को सप्लाई करता है, लेकिन मोबाइल के बोर्ड में कोई फॉल्ट है या नहीं है, मोबाइल का जो पार्ट है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमें बैटरी नहीं देता है। तो उसके लिए क्या होता है, हम डीसी मशीन का यूज करते हैं। और डीसी मशीन में क्या होता है, एक वोल्टेज होता है और दूसरा जो रीडिंग होता है वो एम्पियर का होता है। तो वोल्टेज का मतलब होता है मोबाइल को, मोबाइल का कोई भी पार्ट हो या मोबाइल का बोर्ड हो, तो उसको काम करने के लिए कितना वोल्टेज का देना है, इसको वोल्टेज कितना अप्लाई करना है इस बोर्ड में या उस किसी पार्ट को, तो पहले ही हम फिक्स कर देते हैं। जैसे मानिए मोबाइल को काम करने के लिए जो वोल्टेज जरूरत होता है वो होता है 3.7 से लेके 4.4। किसी भी बैटरी का वोल्टेज आप देखिएगा तो, चाहे पुराना फोन हो चाहे नया फोन, उसमें मिनिमम वोल्टेज होता है 3.7, और जो उसका मैक्सिमम वोल्टेज होता है 4.4। 4.4 का मतलब हर एक बैटरी का वोल्टेज 4.4 होगा ऐसा नहीं, किसी का 4.2 भी हो सकता है, और जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा वो 4.4 होगा, और जो मिनिमम होगा 3.7। इससे कम वाला बैटरी यूज नहीं होता है, और इससे ज्यादा वाला बैटरी यूज नहीं होता है। तो किसी का 3.7 की जगह पे 3.8 भी मिल सकता है, उसके जगह पर 3.85 भी मिल सकता है, मतलब मिनिमम 3.7, 3.8, 3.85 इस तरह से हो सकता है, और मैक्सिमम या तो 4.2 होगा या तो 4.4 होगा। इसका मतलब क्या है, जो हमारा मोबाइल मोबाइल का बोर्ड है उसको काम करने के लिए हम हमें कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, हम मैक्सिमम 4.4। तो सेफ रेंज क्या रहेगा, जैसे 3.7 से लेके मानिए हमें 4.4 वोल्टेज मोबाइल के लिए अप्लाई करना है, तो सेफ रेंज क्या रहेगा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आप 3.7 दीजिएगा फिर भी आपका मोबाइल खुल जाएगा, 4 दीजिएगा फिर भी खुलेगा, 4.2 दीजिएगा फिर भी खुलेगा, 4.4 दीजिएगा फिर भी खुलेगा। तो ये क्या होता है, चार्ज को इंडिकेट करता है। जैसे जब हमारा मोबाइल का बैटरी फुल चार्ज होता है उस कंडीशन में उसका बैटरी 4.2 या 4.4 होता है, लेकिन जब चार्ज धीरे धीरे घटता रहता है तो लास्ट 3.7 पे आके इंड हो जाता है, और इससे बैटरी अगर कम हो जाता है तो फिर हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसीलिए जो बैटरी का रेंज है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो हमें अगर डीसी मशीन से वोल्टेज मोबाइल के लिए अप्लाई करना है तो हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बीच का कोई भी वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, 3.7 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 4.2 भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 4.4 कर सकते हैं। तो हमारे लिए सेफ जो रेंज होता है वो होता है 4 वोल्ट। 4 वोल्ट क्या हो गया, मिनिमम भी नहीं हुआ और मैक्सिमम भी नहीं हुआ, बीच का वोल्टेज हुआ। तो आप मोबाइल को ऑन करने के लिए 4 वोल्ट अप्लाई कीजिएगा तो ये बेटर रहेगा आपके लिए। तो इतना वोल्टेज देने के बाद अब क्या होता है, मोबाइल अब क्या होता है, कनेक्शन का इश्यू आता है। जैसे डीसी मशीन के साथ मैंने आपको तार दिखाया था, एक रेड कलर का वायर था और दूसरा क्या था, ब्लैक था। और जो हमारा बूट केबल होता है नए फोन के लिए, उसमें भी क्या था, एक रेड और एक ब्लैक इस तरह से तार जुड़ा हुआ था। तो ये जो रेड वाला है उसको आपको ऑलवेज कहाँ पे जोड़ना है, पॉजिटिव में जोड़ना है, और जो ब्लैक वाला है उसको ऑलवेज आपको कहाँ पे जोड़ना है, नेगेटिव में जोड़ना है। क्योंकि अगर उल्टा इसका हम कनेक्शन कर देते हैं फिर हमारा जो फोन है वो शॉर्ट हो जाएगा। इसमें डीसी में क्या होता है, ये जो हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं मोबाइल में वो होता है डीसी वोल्टेज, और डीसी में ऑलवेज प्लस और माइनस का इश्यू होता है। आप प्लस और माइनस को उल्टा या अपोजिट नहीं जोड़ सकते, उसको आपको ऑलवेज मैच करके जोड़ना होता है। प्लस को रेड को प्लस में जोड़ना होता है और ब्लैक को माइनस में जोड़ना होता है वोल्टेज देने के टाइम में। लेकिन मल्टीमीटर से टेस्टिंग के टाइम में हम उल्टा भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर से टेस्ट करने के टाइम में उल्टा चेक करने से क्या होता है, रीडिंग माइनस में आता है लेकिन रीडिंग शो होता है। तो मल्टीमीटर से उल्टा चेक करने से भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं, और टेस्टिंग करने के लिए मोबाइल का कंडीशन सही है नहीं है उसको देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव को, रेड को पॉजिटिव में और ब्लैक को निगेटिव में जोड़ना होता है। उल्टा हम नहीं जोड़ेंगे, उल्टा जोड़ेंगे तो हमारा मोबाइल शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जोड़ने के बाद फिर जो हमारा डीसी मशीन है उसमें क्या होता है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, पहला हम वोल्टेज को सेट कर लिए, फिर कनेक्शन कर लिए, और कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे जो दूसरा रीडिंग होता है वो होता है एम्पियर का। तो एम्पियर क्या करता है, तो एम्पियर का मतलब क्या होता है, पहले आपको इसका थोड़ा सा समझ होना जरूरी होता है। जैसे जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, मोबाइल को काम करने के लिए कितना वोल्टेज का जरूरत है वो होता है, और जो एम्पियर का मतलब होता है, ये जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो वोल्टेज मोबाइल में कितने स्पीड में जाने चाहिए, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। तो एम्पियर डिपेंड करता है मोबाइल के ऊपर, मोबाइल जितना चाहेगा उतना एम्पियर ले सकता है। हम अगर यहाँ पे मानिए 2 एम्पियर सेट कर दे रहे हैं या 3 एम्पियर सेट कर दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, मोबाइल हमारा 2 एम्पियर लेगा ये गारंटी नहीं होता है। मोबाइल हमारा 0.5 एम्पियर भी ले सकता है, 0.8 एम्पियर भी ले सकता है, 0.2 एम्पियर भी ले सकता है, 1 एम्पियर भी ले सकता है। तो यहाँ पे जो हम सेटिंग करते हैं वो होता है लिमिट, मतलब अगर मोबाइल हमारा 2 एम्पियर से ज्यादा डिमांड करेगा तो हमारा मशीन
उसको सप्लाई नहीं करेगा। तो ये है ओनली लिमिट, मतलब 2 एम्पियर तक हमारा मशीन मोबाइल को सप्लाई कर सकता है। अगर हम 3 रखते हैं तो 3 एम्पियर तक हमारा मोबाइल, हमारा जो डीसी मशीन है वो मोबाइल को सप्लाई कर सकता है। लेकिन ये जाएगा कितना वो किस पे डिपेंड करता है, मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब मोबाइल के अंदर किस तरह के फंक्शन हो रहा है उसी के मुताबिक क्या होता है एम्पियर कम और ज्यादा होता है। जैसे मानिए मोबाइल स्टैंड बाई मोड में है, तो मोबाइल में क्या होता है इंटरनल कुछ आईसी काम कर रहे होते हैं लेकिन उसका कोई भी पार्ट फंक्शन नहीं करता है, जैसे डिस्प्ले भी बंद है, स्पीकर भी बंद है, कैमरा भी बंद है, माइक भी बंद है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है वोल्टेज तो 4 ही जा रहा होता है, मानिए हम 4 वोल्ट सेट करें तो 4 जा रहा है, लेकिन एम्पियर बहुत ही कम होता है क्योंकि वहाँ पे खर्च कम है, उसमें मतलब पार्ट क्या है सभी बंद पड़ा हुआ है, तो जो करेंट है वो बहुत ही कम जाता है। लेकिन जब हम मोबाइल को मानी पावर बटन दबा के या मतलब फंक्शन को इनेबल कर देते हैं, मानी हम डिस्प्ले में कोई वीडियो प्ले कर दिए, जो वीडियो प्ले कर देते तो क्या होता है उस टाइम में डिस्प्ले भी काम करने लगता है, हमारा रिंगर भी काम करने लगता है, या मानी हम किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं तो उस दौरान क्या होता है मोबाइल के डिफरेंट फंक्शन काम करने लगते हैं, तो उस दौरान क्या होता है जैसे वीडियो कॉल कर रहे हैं तो क्या होगा माइक भी काम करने लगेगा, रिंगर भी काम करेगा, उसके बाद कैमरा भी काम करेगा और फिर डिस्प्ले भी काम करेगा, तो क्या होगा वोल्टेज तो 4 ही रहेगा, वोल्टेज चेंज नहीं होगा, लेकिन ये जो एम्पियर है वो बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें क्या होता है जो वोल्टेज कंज्यूम करने वाला जो पार्ट है वो बढ़ जाता है, तो बढ़ने के साथ क्या होगा एम्पियर बढ़ेगा, तो एम्पियर क्या होता है घटता है बढ़ता है, वो पार्ट की कितना पार्ट को हम यूज कर रहे हैं उसी के मुताबिक एम्पियर कम भी होगा और ज्यादा भी होगा। तो एम्पियर टोटली मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है, एम्पियर का हम ओनली लिमिट सेट करते हैं लेकिन एम्पियर कितना लेगा वो मोबाइल के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये होता है वोल्टेज और एम्पियर में डिफरेंस। तो एम्पियर कब आएगा, किसी भी मोबाइल को जब आप ऑन कीजिएगा तब एम्पियर आएगा, विदाउट ऑन करके एम्पियर नहीं आएगा, लेकिन वोल्टेज हम पहले ही सेट करते हैं क्योंकि वोल्टेज हमें 4.4 से ज्यादा हम नहीं दे सकते मोबाइल को, उससे ज्यादा देने पर मोबाइल में फॉल्ट आ जाता है और एम्पियर क्या करता है मोबाइल ऑटोमेटिक लेता है। तो इस तरह से ये दोनों चीज मिलके क्या होता है, ये दोनों को अगर हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं तो मोबाइल का जो फॉल्ट फाइंडिंग है उसको करने में आसान हो जाता है, क्योंकि फॉल्ट फाइंडिंग के लिए क्या होता है हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है एम्पियर, इसको देख के हम फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं क्योंकि ये तो हम सेट कर रहे हैं मोबाइल को दे रहे हैं मैनुअली, लेकिन ये कितना ले रहा है, ये कम ले रहा है, ज्यादा ले रहा है, या मोबाइल को ऑन करने से पहले ही ले रहा है या ऑन करने के बाद ले रहा है, इसको देखकर हम क्या कर सकते हैं मोबाइल में फॉल्ट है या नहीं है उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर। और ये कब होता है, जब हमारा मोबाइल ऑन होता है या मोबाइल में हम जितने ज्यादा काम करेंगे उतना ही क्या होगा एम्पियर चेंज होता जाएगा, एम्पियर मोबाइल के फंक्शन बढ़ेंगे तो एम्पियर भी बढ़ेगा और मोबाइल के फंक्शन कम होंगे तो एम्पियर कम होगा। और एम्पियर का मतलब होता है करंट, वोल्टेज का मतलब होता है वोल्ट, मतलब वोल्टेज को वोल्ट में मेजर किया जाता है और करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, तो इसको एम्पियर बोलिए या करंट बोलिए बात एक ही होता है, एम्पियर होता है करंट का मेजर करने का यूनिट। तो इस तरह से हम हॉट टेस्टिंग करने के लिए डीसी मशीन का यूज करते हैं, कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर का यूज करते हैं, और पार्ट को टेस्ट करने पर पार्ट में अगर हमें कोई फॉल्ट मिल जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे पार्ट को रिप्लेस कर देंगे, दूसरा पार्ट को लाके डालेंगे और दूसरा पार्ट अगर पार्ट में फॉल्ट था तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है वहीं पे। लेकिन मानिए पार्ट में फॉल्ट नहीं है, पार्ट को चेक किए पार्ट बिल्कुल सही रीडिंग दे रहा है, मल्टीमीटर से भी सही रीडिंग दे रहा है, हॉट टेस्टिंग करने पर भी सही रीडिंग दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है इस बोर्ड से कनेक्शन मतलब बोर्ड में प्रॉब्लम, तो बोर्ड में प्रॉब्लम क्या होता है टिप का होता है, टिप को क्लीन कर लिए, क्लीन कीजिए और मतलब यहाँ से कोई यहाँ पे कार्बन लगा हुआ था या यहाँ पे कोई रस्ट या फंगस लगा हुआ था तो इसको क्लीन करने के बाद आपका सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें एक टिप बिल्कुल क्लीन है या इसको क्लीन करने के बाद भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना होता है, इसके लाइन में क्या होते हैं इसके लाइन में क्या होता है कंपोनेंट होते हैं और आईसी होते हैं, फाइनली लास्ट इंड पॉइंट जो होता है वो आईसी का होता है। तो इसके लाइन के कंपोनेंट फॉल्टी है या आईसी फॉल्टी है उसका आइडेंटिफिकेशन करना होता है। तो उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो टिप है इसका टेस्टिंग भी कर सकते हैं। इसका टेस्टिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मल्टीमीटर को मल्टीमीटर से हम कोल्ड टेस्टिंग करेंगे, मल्टीमीटर से जो भी टेस्टिंग होगा वो क्या होगा कोल्ड टेस्टिंग होगा। यहाँ पे रख के मल्टीमीटर को हम मल्टीमीटर का दो तार होता है, एक होता है ब्लैक वाला और एक होता है रेड वाला, तो हम रेड वाले को इसमें जैसे मल्टीमीटर का जो टेस्टिंग होता है वो अपोजिट होता है, डीसी मशीन का टेस्ट करने के लिए डीसी मशीन का यूज जो होता है वो फॉरवर्ड में होता है, मतलब प्लस में प्लस और माइनस में माइनस होता है। लेकिन जो मल्टीमीटर से हम टेस्टिंग करते हैं बोर्ड का तो वो टेस्टिंग क्या होता है अपोजिट होता है, अपोजिट का मतलब होता है रेड को माइनस में रखना, तो मानिए मल्टीमीटर का रेड वाला तार है तो इसको आपको कहाँ पे रखना होगा माइनस, तो माइनस कहाँ खोजिएगा, तो ये बड़ा जो मेटल आप देख रहे हो ये तो टिप है, तो ये बड़ा जो मेटल है टिप के बगल में ये क्या है माइनस, जितना भी बड़ा बड़ा मेटल आपको दिखाई देगा बोर्ड में वो सभी क्या होता है माइनस होता है, या तो जैसे चार्जिंग का कवर होता है वो भी मेटल का होता है तो वो भी माइनस होता है, सिम का जो कवर होता है वो भी क्या होता है मेटल का होता है तो वो सभी क्या होता है माइनस, मतलब मेटालिक पॉइंट जितने भी मोबाइल में मिलते हैं वो सभी क्या होता है माइनस। तो ये लाल वाले तार को आप कहीं पे भी रख सकते हो, यहाँ पे रखिए या सिम के ऊपर, मेमोरी कनेक्टर के ऊपर, चार्जिंग के ऊपर कहीं पे रख लीजिए, और जो ब्लैक वाला तार है आपका उससे क्या कीजिए इस टिप को चेक कीजिए, तो इस टिप को चेक करने से ही हमें टिप में कोई फॉल्ट है या नहीं है
वो हमें मालूम हो जाता है, टिप में फॉल्ट है या नहीं है उसका इन्फॉर्मेशन हमें हो जाता है टिप को चेक करने के बाद। तो इसका डिटेल हम क्लास में डिस्कस करेंगे, मैं आपको जो टूल का यूज हम कैसे करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो टिप को चेक करने से हमें एक कंपोनेंट में फॉल्ट है या इसका जो इन पॉइंट आईसी में फॉल्ट है उसका इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम बहुत ही आसानी से मोबाइल का जो फॉल्ट है उसको फाइंड कर सकते हैं, और फॉल्ट फाइंड करने के बाद अब क्या होता है रिपेयरिंग का काम आता है। तो रिपेयरिंग करने के लिए यानी हमें कंपोनेंट में फॉल्ट मिला, मल्टीमीटर से जब हम चेक किए थे तब हमें क्या मिला, कंपोनेंट्स में कोई फॉल्ट मिला है। तो कंपोनेंट को कैसे रिपेयर करेंगे, तो कंपोनेंट का कनेक्शन क्या होता है, एक सीरीज होता है एक पैरेलल होता है, एक सीरीज और दूसरा पैरेलल होता है। तो सीरीज का रिपेयरिंग करने का प्रोसेस एक होता है, पैरेलल का रिपेयरिंग करने का प्रोसेस अलग होता है। तो दोनों को हम सीरीज पैरेलल चेक करके देख के इसका रिपेयरिंग हम कर सकते हैं। तो ये कंपोनेंट का रिपेयरिंग कंपोनेंट का जो रिपेयरिंग होता है वो बहुत ही आसान होता है, उसको आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। इसको चेंज करना भी आसान होता है क्योंकि दूसरे बोर्ड से निकाल के भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कंपोनेंट सही है, टिप को चेक करने के बाद अगर कंपोनेंट में हमें कोई फॉल्ट नहीं मिला है, इसका मतलब क्या होता है, इसका जो इन पॉइंट होता है आईसी, ये आईसी से फॉल्ट होता है। तो आईसी को क्या करना होता है, आईसी का रिपेयरिंग करना होता है आपको। आईसी का रिपेयरिंग का भी तीन स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होता है, इसको हम हीट करके देख सकते हैं, नंबर वन स्टेप। आईसी क्या होता है, सब आप देख रहे हो इस तरह का बॉल होता है आईसी का, और ये बॉल के थ्रू क्या होता है, बोर्ड के साथ कनेक्शन होता है। तो समटाइम ये बॉल और जो बोर्ड का कनेक्शन है वो छूट जाता है किसी गिरने के कारण, या मतलब ज्यादा मैंने गेमिंग कर रहे हो या ज्यादा वीडियो वॉच कर रहे हो, तो गर्मी के कारण क्या होता है, बॉल और जो बोर्ड का कनेक्शन होता है वो छूट जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके कारण क्या होते हैं आईसी और वो पार्ट, उसके कारण आपका जो आईसी है और जो पार्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसका कनेक्शन छूट जाता है। तो इस कंडीशन में हम इसको अगर थोड़ा सा हीट करते हैं तो हीट करने पर क्या हो जाता है, बॉल और जो बोर्ड है वो फिर से कनेक्ट हो जाएगा, और कनेक्शन होने के बाद क्या होगा, वो पार्ट फिर से काम करने लगेगा। तो ये थोड़ा सा किसी किसी केस में ये काम कर देता है ट्रिक, लेकिन सभी केस में ये काम नहीं करता है। तो किस केस में काम नहीं करेगा, मानिए ये आईसी का बॉल मेल्ट हो गया, मतलब खराब हो गया, पूरी तरह से डैमेज हो गया, बॉल मोनली कनेक्शन छूटा है तो ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, बॉल जाके दूसरे के साथ टच हो गया, मतलब गर्मी के कारण इधर इधर कहीं पे फैल के टच हो गया, फिर ये क्या कर देगा, शॉर्ट हो गया। तो इसको हीट करने पर भी वो काम नहीं होता है। तो फिर निकाल के इसका जो पुराने बॉल है उसको हटा के नए बॉल डाल के और फिर से लगाने होते, तो उसको रिबॉलिंग बोला जाता है। ऐसी रिपेयरिंग करने का दो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, नंबर वन हीट और नंबर टू जो होता है वो होता है रिबॉलिंग। तो हीट करने के लिए हमें डीसी मतलब जो हमारा एसएमटी मशीन है उसे हम कर सकते हैं, लेकिन रिबॉलिंग करने के लिए हमारे पास स्टेंसिल होना चाहिए, माइक्रोस्कोप होना चाहिए, जितने भी एडवांस टूल मैंने आपको बताया टूल के वीडियोज में वो सभी टूल हमारे पास होने चाहिए, तभी हम आईसी का रिबॉलिंग कर सकते हैं। और जो थर्ड काम होता है वो होता है आईसी का रिप्लेसमेंट। तो आईसी का रिप्लेसमेंट हम कब करेंगे, जब बॉल मानी सही है, बॉल को लगाइए, बॉल को नए बॉल पर डाल के आप आईसी को लगा दिए, लेकिन फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, आईसी इंटरनली फॉल्ट हो चुका है, आईसी ही डैमेज हो चुका है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, आईसी को रिप्लेस करना होता है। तो इस तरह से आईसी रिपेयरिंग करने का तीन स्टेप होता है, नंबर वन हीट, नंबर टू रिबॉलिंग और नंबर थ्री रिप्लेस। तो ज्यादा करके 80% आपका हीट और रिबॉलिंग से हो जाता है, किसी किसी केस में आपको रिप्लेस करना होता है। तो इतना करने के बाद मोबाइल का जो कंप्लीट रिपेयरिंग है वो हो जाता है, आप पार्ट से लेके टिप से लेके सॉफ्टवेयर से लेके कंपोनेंट से लेके और जो आईसी लेवल तक का रिपेयरिंग है वो सभी कर सकते हो। ये सभी के लिए आपको धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे, एक ही क्लास में अगर बताएंगे तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा, तो सभी का एक एक चैप्टर रहेगा। इस क्लास में आपको जितना समझ आ रहा है ठीक है, ये तो खास टूल का क्लास था, लेकिन टूल से रिलेटेड आपका कोई भी इश्यू नहीं है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा जो हमारा रिपेयरिंग का स्टेप है उसको मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। तो चलिए कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हमारा जो जूम है वो क्या होता है 40 मिनट तक चलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, फिर मैं आपको दूसरा लिंक सेंड करूंगा, फिर से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जूम मीटिंग में क्या होता है, बीच में एक बार आपको डिस्टर्ब होगा थोड़ा टाइम के लिए। सर थर्मल कैमरा के बारे में कुछ बताएं। थर्मल कैमरा ओनली क्या होता है, हाफ शॉटिंग के कंडीशन में यूज होते हैं। हाफ शॉटिंग जैसे मोबाइल में कहीं पे हाफ शॉटिंग है, तो जो हाफ शॉटिंग एरिया रहता है उसको फाइंड करने में दिक्कत होता है थोड़ा, क्योंकि वो डीसी मशीन से वोल्टेज देने के बाद भी वहाँ पे ज्यादा वोल्टेज कंज्यूम नहीं होता है, तो हाथ से छूने के बाद उसका फॉल्ट फाइंड करना दिक्कत होता है। रोजिन से हम फाइंड कर सकते हैं, या जो फ्रीजी स्प्रे मैंने आपको दिखाया उसे भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे भी काम नहीं हो रहा है तो फिर एक थर्मल कैमरा होता है, तो वो क्या करता है, उसके नीचे हम बोर्ड को रखते हैं, तो जहाँ पे भी हीट हो रहा है मतलब कौन सा एरिया पे कितना टेम्परेचर है वो थर्मल कैमरा हमें शो कर देता है। तो उससे जहाँ पे भी हीटिंग एरिया है वो हमें आसानी से मालूम हो जाता है, और इस एरिया में वर्क करके फॉल्ट को आसानी से फाइंड किया जा सकता है।